नमस्कार साथियों, एवोकाडो एक फल है। उसके बारे में जानकारी दूंगा कि इसके अंदर क्या होता है और शरीर को कैसे फायदा मिलता है एवोकाडो फल खाने से। वैसे तो ये मैक्सिकन या नॉर्थ अमेरिकन फ्रूट होता है, उधर ज़्यादा यूज होता है, लेकिन अब शहरों में स्पेशली इंडिया में भी मिलने लगा है। हालांकि ये काफ़ी महंगा है, लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट काफ़ी अच्छे हैं और बहुत सी न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं, तो उसी के बारे में सारी जानकारी साइंटिफिक रहेगी कि कैसे फ़ायदा करता है, कितना क्या किसको लेना चाहिए, ये सारी बातें रहेंगी। अवाकाडो को चटनी के रूप में भी लोग खाते हैं, स्लाइस भी बना के खाते हैं, टोस्ट पे भी लगा के खा सकते हैं, पीस के और तमाम तरह के डिशेस बनाई जा सकती है। इसका ऑयल भी आता है, आप जो फल है सीधा उसको भी खा सकते हो। महंगा जरूर रहता है, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि काफी ये महंगा रहता है। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन वाइज देखा जाए तो 100 ग्राम ले लेते हैं, 100 ग्राम अगर लेंगे तो इसके 100 ग्राम में 160 कैलोरी होती है। ये बताना बड़ा जरूरी है कि फलों में नॉर्मली कैलोरी बहुत ज्यादा नहीं होती है। अगर 100 ग्राम कोई भी फल नॉर्मली जो इंडिया में मिलते हैं उसको खाओगे तो उसमें 70 से लेके 80 कैलोरी के आसपास होती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा, उस हर फलों की डबल कैलोरी है। उसके पीछे की वजह यह है कि इसके अंदर फैट होता है, एवोकाडो के अंदर काफ़ी फैट है और फैट के कारण कैलोरी बढ़ जाती है, हालांकि वो फैट अच्छा वाला है। तो जो एवोकाडो है उसकी जो मेन खूबी है कि उसके अंदर अच्छा वाला फैट है, इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है खाने के लिए। इसके अंदर जो फैट होता है मूफा पूफा, तो स्पेशली इसमें मूफा काफ़ी अच्छी मात्रा में, जिससे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट आते हैं। बताने का मकसद ये है कि अगर आप वजन घटाना चाह रहे हैं, मोटापा है, तो एवोकाडो को खा सकते हैं, लेकिन मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 100 ग्राम में 160 कैलोरी है, तो एक बार में आप 100 ग्राम 150 ग्राम इतना ही खाएं। हालांकि वेट कम करने के लिए फायदेमंद रहेगी और वजन बढ़ाने के लिए भी खा सकते हैं, अगर सही तरीके से खाया जाए तो दोनों में ये मदद करेगा। इसके 100 ग्राम में अगर प्रोटीन की बात करें तो 2 ग्राम है, मतलब बाकी फलों के मुकाबले इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा नहीं माने जाएगी 100 ग्राम में 2 ग्राम। और इसके अंदर मेन चीज़ होती है फैट, जैसा कि मैंने बताया कि 100 ग्राम में 14.7 ग्राम होती है, 15 ग्राम के आसपास, उसमें से ज़्यादातर हिस्सा होता है मूफा का, 10 ग्राम। अब ये जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो वाले फैट शरीर के लिए अच्छे होते हैं, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए और शरीर के जो बाकी फंक्शन होते हैं, जहां जहां हमें फैटी एसिड चाहिए वो मूफा और पूफा, चाहे पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हो या मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हो, वो अगर शरीर में रहता है तो अच्छा रहता है। इसलिए हमेशा यही खाने की सलाह दी जाती है, फैट कम खाएं, लेकिन जब भी खाएं तो ऐसे खाने खाएं जिसके अंदर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हो। तो ये इसके अंदर हो गया मूफा काफी अच्छी मात्रा में, सेचुरेटेड फैट काफी कम होता है और इसीलिए फैट होने की वजह से एवोकाडो का ऑयल भी होता है। अब जाते हैं कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्ब की तो 8.53 8.5 ग्राम होता है, उसमें से ज्यादातर हिस्सा फाइबर होता है 6.7 ग्राम, मतलब एवोकाडो के में जो कार्ब होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका 7 ग्राम, 100 ग्राम में 7 ग्राम फाइबर है। अब ये 7 ग्राम फाइबर होने की वजह से बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट आते हैं, क्योंकि फाइबर अगर रहेगा तो डायबिटीज के लिए भी अच्छा रहेगा, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड कम करने के लिए भी ठीक रहेगा, और आपकी जो गट हेल्थ है, आंत की हेल्थ, उसके लिए भी अच्छा रहेगा। कब्ज के लिए, एसिडिटी, गैस, इनडाइजेशन, पाइल फिशर के जो पेशेंट हैं, जो आंत के अंदर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, वो सबसाइड होगा, तो ओवरऑल जो आंत की हेल्थ रहेगी अच्छा होगा, सारा कुछ अच्छे से डाइजेस्ट होगा और लंबे समय में आंत की जो क्रोनिक बीमारियां हैं, चाहे इन्फ्लेमेशन वाली हो चाहे कैंसर हो, वो भी कम रहेगी। तो ये फाइबर का फायदा है, अगर खाने में फाइबर रहता है तो भूख भी कम लगती है और डायबिटीज वाले व्यक्तियों को फायदा ये रहता है कि तेजी से शुगर नहीं बढ़ती, तो इसके अंदर फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में है। और इसके साथ ही इसमें मिनरल्स और विटामिन बहुत तरह के हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा है, जैसे बाकी फलों में विटामिन मिनरल्स होते हैं, वैसे इस फल के अंदर भी विटामिन मिनरल्स हैं, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, तो इस तरह के मिनरल्स थोड़ी थोड़ी मात्रा में है। पोटेशियम काफी अच्छी मात्रा में है, और पोटेशियम अच्छी मात्रा में है इसलिए ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में, हार्ट को सही काम करने में, मांसपेशियों को सही तरीके से फंक्शन करने में, नर्व को सही तरीके से फंक्शन करने में, बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो सही रहे, तो पोटेशियम अच्छी मात्रा में है, इसलिए ये भी इसका एक फायदा होता है दिल के मरीजों के लिए। आजकल के ज़माने में जो खाने अभी खाए जा रहे हैं उसमें सोडियम की मात्रा बढ़ती जा रही है, पोटेशियम की मात्रा कम होती जा रही है। ये फल ऐसा है जिसमें पोटेशियम ज़्यादा है, सोडियम कम है, तो सोडियम के एक्शन को पोटेशियम उसके जस्ट अपोजिट काम करता है, तो इसलिए ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करेगा। और बाकी मिनरल्स भी थोड़े थोड़े हैं तो उससे भी फायदा मिलेगा, जैसे कैल्शियम है तो हड्डियां मजबूत होगी, आयरन है तो खून बढ़ेगा, जिंक कॉपर है तो इम्यून सेल्स मजबूत होंगे, इम्यून सेल्स बनेंगे तो प्रतिरोधक क्षमता शरीर
शरीर की बढ़ेगी। विटामिन की बात करें तो इसमें विटामिन सी है 100 ग्राम में 10 मिलीग्राम, दूसरा इसके अंदर विटामिन ई है 2 मिलीग्राम, विटामिन के है, विटामिन ए है, तो वो सारे विटामिन है जो हमें शरीर के लिए चाहिए। स्पेशली विटामिन सी है तो उससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, स्किन के लिए अच्छा होता है, बालों के लिए अच्छा होता है। विटामिन ए है वो भी आंखों के लिए अच्छा होता है, बालों के लिए अच्छा होता है, स्किन के लिए अच्छा होता है। विटामिन ई है वो भी स्किन बालों के लिए चाहिए और फर्टिलिटी के लिए चाहिए। विटामिन के है तो हड्डियों के लिए अच्छा होता है। इसलिए कई बार अगर अपन देखते हैं तो जो स्किन या बालों के प्रोडक्ट होते हैं लोशन क्रीम या जेल वगैरह उसमें एवोकाडो डाला रहता है। और भी दूसरे विटामिन जैसे कि बी ग्रुप के विटामिन है, फोलेट है, ये भी पाए जाते हैं। तो ये इसका फायदा है, मतलब न्यूट्रिशन डेंस एक बहुत ही अच्छा ऐसा फल जिसके अंदर कई तरह के विटामिन मिनरल्स और न्यूट्रिशन होता है। अच्छा एक चीज और बताना रह गया कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस होते हैं जिनको हम कैरोटीनॉइड या पॉलीफिनॉलिक कंपाउंड बोलते हैं, उसकी वजह से भी काफी फायदा आता है। तो जैसे एक ल्यूटीन होता है, जीजेंथिन है, बीटा कैरोटीन है, तो ये सब की वजह से भी एंटीऑक्सीडेंट अगर रहेगा तो शरीर को बुढ़ापे से बचाएगा, गंभीर बीमारियों से बचाएगा, कैंसर से बचाएगा। शरीर में कहीं इन्फ्लेमेशन सूजन हो जैसे कि कई तरह के कंडीशन में हो सकती है या एज बढ़ने के साथ साथ होती है जैसे कि आर्थराइटिस है, इस तरह की जो कंडीशन जिसमें इन्फ्लेमेशन होता है उसमें ये मदद करेगा। तो कहने का मतलब है कि एवोकाडो एक बहुत ही अच्छा फल रहेगा जिसके अंदर तमाम तरह के न्यूट्रिशन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस होने के कारण ये फायदा करता है। एक दिन में कितना खाना है, तो अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो मात्रा एक लिमिट में हो, मतलब 100 ग्राम हो, 150 ग्राम, इससे ज़्यादा ना हो। जो जवान लोग हैं, बच्चे हैं, वो थोड़ा ज़्यादा भी खा सकते हैं, तो इस तरीके से आप इसको खाएं। कोई खास साइड इफ़ेक्ट है नहीं, कोई कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो सकती है। बहरहाल अगर कोई ये जानना चाहता है कि इसके अंदर क्या न्यूट्रिशन होता है, कैसे फ़ायदा करता है, तो मैंने बता दिया।